Hello dear students, in this video we will see this problem. Okay, finding the range of the function f of x equal to fractional part of x divided by 1 plus fractional part of x. और ये दूसरा function, इसका भी range निकालना है. इसको देखिए, x minus greatest integer part of x divided by 1 minus greatest integer part of x plus x. अब इसको पहले देख लीजिए. देखिए, x minus greatest integer part of x, इसको वापस से मैं fractional part में दूंगा और इसको मैं क्या चेंज करूं, 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स. सेम चीज को मैंने यहाँ लिखा है, ये वापस से फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. तो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों प्रॉब्लम सेम है. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. फाइन, अब आते हैं इसके रेंज में. रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, वो जीरो और वन के बीच में होता है. मतलब इसका रेंज मुझे मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट का, कि वो जीरो और वन के बीच में होता है इंक्लूडिंग जीरो. मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जीरो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, और मैक्सिमम वैल्यू वन की ओर अप्रोच कर रहा है. वन नहीं है, वन की ओर अप्रोच कर रहा है. ठीक है, इसका ये मतलब है. तो क्या करते हैं, हम केस वन ले लेते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट को जीरो ले लेते हैं. तो आपका वाई क्या आएगा, ये वाई आ जाएगा जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो मतलब जीरो. ये एक वैल्यू होगी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी y की. ठीक है साहब, अब दूसरा, अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 1 लेता, देखो फ्रैक्शनल पार्ट 1 की ओर अप्रोच हो रहा है, 1 नहीं होता, लेकिन अभी मैंने 1 ले लिया तो यहां से मुझे y का मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 2. तो सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 की ओर अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब y जो है वो 1 बाई 2 की ओर अप्रोच होगा. तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने रेंज निकाल लिया, तो रेंज क्या आ जाएगा आपका, 0 इंक्लूड रहेगा, 1 बाई 2 एक्सक्लूड रहेगा. ये इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 बाई 2 की ओर अप्रोच हो रहा है. तो देखो कितने आसानी से हमने मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट से इसके रेंज को निकाल लिया. अब इसका रेंज निकालने का दूसरा प्रोसेस भी ये कोई कर सकते हैं आप, कि रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और उसके बाद में आप स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट